तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 0 to 100% पोको X2 चार्जिंग टेस्ट आफ्टर MIUI 12 अपडेट। तो पोको X2 में आ चुका है MIUI 12 का लेटेस्ट अपडेट, और इस अपडेट आने के बाद मैंने इस पर किया था एक पबजी टेस्ट, जो वीडियो देखने के बाद आप में से कई जनों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DMs किए और मुझसे कहा कि भाई इस पर 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट करके दिखाओ। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 0 to 100% पोको X2 चार्जिंग टेस्ट आफ्टर MIUI 12 अपडेट। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन अभी बिल्कुल चार्ज नहीं है, मतलब ये 0% चार्जिंग पे है और ये फ़ोन ऑन होते ही ये बंद हो जा रहा है। तो हम इस पे करेंगे 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट, और कुछ क्राइटेरियाज मैंने रखे हैं। जैसे ही ये फ़ोन 1% चार्ज हो जाएगा हम इसको पावर ऑन करेंगे और इस पे मोबाइल डेटा ऑन कर देंगे, और हर नेट पे हम देखेंगे कि कितनी परसेंट चार्जिंग इंक्रीज हुई है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये इंक्रीज़ किया है इसकी कैपेसिटी, इसकी चार्जिंग स्पीड या फिर नहीं। तो इस फ़ोन के साथ हमें ऑफिशियली MI ब्रांड का एक चार्जिंग अडैप्टर देखने को मिलता है, जो कि वेट में काफ़ी ज़्यादा बल्की है, बट हमें इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें चाहिए फास्ट चार्जिंग स्पीड। तो अब मैंने लगा दिया इसका अडैप्टर इसके चार्जिंग सॉकेट में, और अब हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो मैं इनपुट करता हूँ ये USB-C टाइप इसके USB-C सॉकेट में, और ये हमने इनपुट किया और यहाँ से हमें टाइमर भी ऑन कर दिया। तो हमारा फ़ोन पावर ऑन हो गया है, बूट अप हो गया है, और अब हम जल्दी से इसको अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी परसेंट बैटरी इसकी चार्ज हुई है और इसका बैटरी टेम्परेचर अभी कितना है। जो अभी सराउंडिंग टेम्परेचर निकल के आता है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उतना हीटअप इशू नहीं होना चाहिए, हीटिंग इशू। और यहाँ पर बैटरी जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस, और जो अभी बैटरी चार्ज हुई है वो 2%। तो हमने मोबाइल डेटा ऑन करके रखा है, मैं जैसा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन है और कुछ लोकेशन ऑन नहीं है। तो अब हम मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। पहले 33 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं इसकी चार्जिंग कितनी हुई है। यहाँ पे मैं खोलता हूँ ये एप्लीकेशन और अभी हमें पता चलेगा कितनी चार्जिंग हुई है। आप देख सकते हैं फर्स्ट 33 मिनट्स में इसके कंप्लीट कर लिए हैं 53% बैटरी चार्ज, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तेज है। और इसका टेम्परेचर नोट करें तो 32 से 39 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो अभी इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए अपनी चार्जिंग स्पीड ये डिवाइस कम करेगा। ऐसा हर डिवाइस में फीचर होता है, अगर ज़्यादा कुछ चार्जिंग स्पीड हो जाता है तो उसको कम करने के लिए ये अपनी चार्जिंग स्पीड को कम करता है। तो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट 20 मिनट्स में कि इसने कितनी परसेंट बैटरी और बढ़ाई है। फर्स्ट 54 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चार्जिंग टेस्ट के, और यहाँ पे मैं आपको इसकी बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज में हम आए तो यहाँ पे 82% कम्प्लीट हो चुका है फर्स्ट 54 मिनट्स में, और इसकी जो बैटरी टेम्परेचर है वो है 39 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठीक ठाक है। इसकी हीटिंग इशू यहाँ पे थोड़ी सी फील हो रही है, बट वो होता है जब चार्जिंग आपकी इतनी फास्ट होती है, 27 वॉट की चार्जिंग होती है, तब आपका फ़ोन हीटअप हो सकता है। तो यहाँ पे हर फ़ोन में एक इनबिल्ट सिस्टम रहता है, जिसके मदद से क्या होता है कि अगर आपकी फ़ोन की परसेंटेज है, बैटरी परसेंटेज है, वो 80 या उसके ऊपर चली जाए तो फ़ोन का जो चार्जिंग स्पीड रहता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ताकि आपका फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ी रहे। तो अभी जो हमारी चार्जिंग स्पीड रहेगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अभी हम देखते हैं 10 मिनट के बाद कि कितनी चार्जिंग इसकी हुई है। तो दोस्तों अभी मैंने चेक किया था और इसके जो 90% है बैटरी वो कंप्लीट हो चुकी है, और 1 घंटा 1 मिनट लिया है ये 90% तक आने में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसका टेम्परेचर मैं वापस से दिखा दूं तो 1 डिग्री कम हो गया है, 38 डिग्री हो चुका है, और लेवल है वो है 91%। तो अब हम देखते हैं कि ये फुल चार्ज कितने मिनट में कर देता है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा 100% ऑफ बैटरी, और ये कंप्लीट हुआ है 1 hour 20 minutes के टाइम में। और यहाँ पे जो आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं वो 34 डिग्री सेल्सियस, पहले 38 था और बीच में 39 तक चला गया था। तो मैंने आपको कहा था कि 80% तक आने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने बैटरी के टेम्परेचर को कम करने के लिए चार्जिंग स्पीड को स्लो कर देता है, जिसके मदद से क्या होता है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो
अपना जजमेंट देने से पहले कि क्या MIUI 11 से MIUI 12 में हमें बैटरी चार्जिंग स्पीड में कोई इजाफा देखने को मिला या फिर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ कंडीशंस जिसके मदद से मैंने इस फ़ोन को चार्ज किया है। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था उसमें हमने इस फ़ोन को पावर ऑन करके चार्ज किया था, ना कि पावर ऑफ में ही चार्ज किया था। और जो हमारा सेकंड कंडीशन था उसमें हमने इसका मोबाइल डाटा ऑन करके इसको चार्ज किया था, ना कि इसका वाईफाई और लोकेशन ऑन करके चार्ज किया था। जो हमारा थर्ड कंडीशन था उसमें हमने इसकी जो रिफ्रेश रेट रखी थी वो 60 हर्ट्ज़ पे रखी थी, ना कि 120 हर्ट्ज़ पे, तो इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन था उसमें हमने इसको चार्ज किया था 27 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग टेम्परेचर में। तो अगर आप समर्स में अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आप एक बात ज़रूर नोटिस किए होंगे कि आपका जो फ़ोन चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है आपके फ़ोन को चार्ज होने में। और 27 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर है जिसमें आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से भी चार्ज होता है। वर्डिक्ट से पहले हम देख लेते हैं टाइमर चार्ट, जिसमें भी पता चलेगा कि इसने कितनी परसेंटेज ऑफ बैटरी कंप्लीट की है कितने टाइम पीरियड में। तो 0 to 80% तक इसने कम्प्लीटली फास्ट चार्ज किया, आपने 27 वॉट के फास्ट चार्जर का फुल यूटिलाइज़ किया इस फ़ोन ने। बट 80% के बाद आपको जैसा पता है कि ट्रिकल चार्ज सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसकी मदद से आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है आपके बैटरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से MIUI 11 से MIUI 12 में आने के बाद मेरे हिसाब से कोई खास इंप्रूवमेंट बैटरी चार्जिंग स्पीड में देखने को नहीं मिला है, उल्टा थोड़ा बहुत तो कम ही हो गया है। क्योंकि प्रीवियसली जब मैंने एक बार चार्जिंग टेस्ट किया था तो उसमें 17 मिनट्स में कंप्लीट हो गया और इस चार्जिंग टेस्ट में 1 hour 20 मिनट्स का टाइम लिया, जो कि 3% ऑफ बैटरी का इजाफा हुआ है। तो 3 मिनट का इजाफा उतना ज़्यादा कुछ बिग डील नहीं है। तो इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शूट करूंगा, जो कि है पबजी टेस्ट करूंगा इस पे, और इसके ऊपर मैं इनबिल्ट रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और इसका GFX टूल का भी यूज़ करूंगा, ताकि हम 60 FPS तक जा सके और देख सके कि क्या ये हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है और इसकी बैटरी लाइफ कितनी प्रोवाइड करता है। तो यार बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस ला सकूं। तो यार मेरा नाम था आदर्श, आप देख रहे थे हैकर ट्यूबर, और Till then, stay tuned.